फ्रेंड्स so क्या आपको पता है कि एज अ कंज्यूमर आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आपको फुलफिल करना पड़ता है एज एन अवेयर कंज्यूमर और अगर आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर में एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है तो अगर आपको यह सारी प्रॉब्लम से बचना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम लोग उन कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंज्यूमर के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक अवेयर और रैशनल कंज्यूमर के लिए सबसे पहला है बी अवेयर अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड कभी भी ब्लाइंड कस्टमर की जैसे कुछ भी परचेज नहीं कर लेना चाहिए हमेशा जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो उसके कई ऑप्शंस होते हैं आप उनके बारे में अच्छे से जान लें और जब भी आप कोई चीज परचेस करें तो इंटेलिजेंट चॉइस करें और डिसीजन सही लें क्योंकि जब तक आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक चीटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं आपके साथ सेकेंड है बाई ऑनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस दस लुक्स फॉर एन आई मार्क ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स एफपीओ मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स हॉल मार्क ऑन ज्वेलरी सेक्टर। कभी भी आप जब परचेजिंग करें तो उसमें कुछ अमाउंट को सेव करने के चक्कर में कभी भी आप क्योंकि नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स में चीटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो सेफ भी नहीं होते हैं कस्टमर्स के लिए तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट्स को परचेस करें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में आप आईएसआई मार्क जरूर चेक कर लें फूड प्रोडक्ट्स में आप एफ पी ओ मार्क जरूर चेक कर लें और अगर आप कोई ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें आपको हॉल मार्क्स जरूर चेक कर लेना चाहिए ये सारे ऐसे क्वालिटी एश्योरेंस के मार्क्स हैं अगर आप इनको चेक करके परचेज करते हैं तो निश्चित ही आपके साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और सेलर भी आपके साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग करने से बहुत ज्यादा डरेगा थर्ड है फॉलो इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स एंड लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स एंड यूज़ इट सेफली जब भी आप कोई ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं जिसके बारे में आप पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सबसे पहले उसको आप अच्छे से उसके इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर लें और ये भी जान लें कि अगर आपने इंस्ट्रक्शनस को फॉलो नहीं किया तो क्या क्या रिस्क आपको फेस करना पड़ सकता है और हमेशा सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के साथ उसका यूज़ करें नेक्स्ट है रीड लेबल्स केयरफुली टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस, नेट वेट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स जब भी आप प्रोडक्ट्स को परचेज करने वाले हों तो निश्चित ही उसके लेबल्स को अच्छे से रीड आउट कर लें पेमेंट करने से पहले उसकी एम आर पी नेट वेट उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट्स और साथ साथ में इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूज़ जरूर पढ़ लें और उसके बाद ही जाकर आप किसी भी प्रोडक्ट्स को परचेज करें नेक्स्ट है असर्ट योर सेल्फ टू इंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील कभी भी ब्लाइंडली किसी सेलर के ऊपर भरोसा ना करें आप जब भी आप कोई चीज़ को परचेज करने जाते हैं तो उसमें आप कंपेरिजन करें कई प्रोडक्ट्स को उसके फीचर्स के साथ उसकी प्राइस के साथ और हमेशा सा ये प्रयास करें कि आपको बेस्ट डील मिले वो भी कम प्राइस में नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स एंड परचेज ऑनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्करेज अनस्क प्लस प्रैक्टिस लाइक ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग एक्सेट्रा तो हमेशा आप ऑनेस्ट कंज्यूमर्स की जैसे बिहेव करें कभी भी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज ना करें जो इलीगल हो या आपको नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में नहीं अवेलेबल हो पा रहे हों क्योंकि अगर आप ऐसी कंडीशंस में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इलीगल ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग नेक्स्ट है आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिस वुड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ द परचेज मेड सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यही है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के साथ साथ आपको कैश मेमो जरूर मांगना है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए फ्यूचर में अगर आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो ये कैश मेमो एक बहुत बड़ा प्रूफ होती है आपकी परचेजिंग का और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होता है और अगर आप कोर्ट केस करते हैं तो सबसे पहला जो प्रूफ मांगा जाता है वो आपका कैश मेमो ही होता है बिना कैश मेमो के कोई भी आप कंज्यूमर रिलेटेड केस नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट है फाइला कंप्लेंट इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इन केस ऑफ अ शॉर्ट कमिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज अवेल्ड do नॉट फेल टू टेक एन एक्शन इवन वेन द अमाउंट involved इज स्मॉल जब भी आपके साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन हो चाहे वो छोटे अमाउंट का हो या बड़े अमाउंट का हो कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ और हमेशा आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट दीज टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक निश्चित ही सेलर्स बार बार आपके जैसे कई कस्टमर्स के साथ ये एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे तो हमेशा एक अवेयर कंज्यूमर के तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए और हर एक एक्सप्लॉयटेशन का जवाब सही तरीके से आपको देना चाहिए फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज विच वुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स एंड सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट हमेशा कंज्यूमर ग्रुप्स बनाइए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटीज बनाइए और हमेशा एक्टिव रोल प्ले करिए कंज्यूमर्स को अधिक से अधिक एजुकेट करने के लिए गवर्नमेंट तो अपना रोल प्ले कर ही रही है पर हम कंज्यूमर्स को भी अपने इंटरेस्ट के बारे में ध्यान देना चाहिए इसलिए अधिक से अधिक हम लोग को यूनाइटेड रहना चाहिए कि अगर हम लोग के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी मिसऐपनिंग होती है तो उसमें हम लोग ग्रुप में जाकर डीलिंग करें और लास्ट है रिस्पेक्ट द इन्वामेंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करें ऐसा कोई भी पर्चेजिंग ना करें या उसको प्रमोट ना करें जिससे आपके एनवायरमेंट को काफी हद तक नुकसान हो सकता है तो यह है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो निश्चित ही आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपके साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और आप एक अवेयर कंज्यूमर के रूप में जाने जाएंगे वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक like, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और हमारा चैनल मिशन कॉमर्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आगे भी देखते रहिए तब तक के लिए थैंक यू